सारे उपनिषदों के पन्ने पलट लीजिए, वेद के एक एक मंत्र का अवलोकन कर लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है, ये मैं कड़वा सच कहने जा रहा हूँ, कि परमात्मा किसी स्थान विशेष पर रहता है। बद्रिकाश्रम में रहता है, त्रिपत मंदिर में रहता है, वैष्णो देवी के स्थान पर जम्मू में रहता है, केदारनाथ में रहता है, रामेश्वरम में रहता है, जगन्नाथपुरी में रहता है, कहीं नहीं लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, यह आत्मनितिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है लेकिन वह उसको नहीं जानते। इसलिए चारों वेदों का, छह दर्शनों का, उपनिषदों का एक ही सिद्धांत है कि आत्म चैतन्य के द्वारा, आत्मदृष्टि के द्वारा ही परम तत्व को देखा जा सकता है। वाणी क्या कहती है, जो मासुक सेजना आया देख्या सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इनसेज को तय निर्फल गई जोर। इस खेल में आना हमारा व्यर्थ है यदि अपने आराध्य को हमने देखा नहीं, उससे बातें नहीं की, उसकी बातें नहीं सुनी तो।